सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों आज बनाने वाले हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले, जो दोस्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों करिए वादा आप मेरे साथ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस क्विक एंड ईजी हलवा को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे करीब मैंने 1 किलो गाजर ले लिया है, इसको मैंने आगे और पीछे दोनों साइड से काट लिया है, और उसके बाद मैंने छील लिया है और धो लिया है। अब चूंकि इन गाजरों को कद्दूकस नहीं करने वाले, अपना टाइम सेव करने वाले हैं, तो हम इनको एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह आप 1-1 इंच के करीब टुकड़े काट लीजिए। ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है, तो कद्दूकस करने में हाथ थक जाते हैं कई बार, या आप वर्किंग हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप इस तरह से बनाइए। और इसमें आप कैलोरीज भी जितनी चाहें घटा या बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी आगे। तो दोस्तों हमने सभी गाजर काट के तैयार कर लिए, और इस तरह से हलवा बनाने के लिए आप अच्छी पकी हुई लाल गाजर लें। और अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और इसमें डालिए गाजर के टुकड़े। तो एक बार में मैंने करीब आधा जार भर के डाला है, और अब मैं मिक्सी में इसको रोक रोक के पीस लूँगी, जैसे कि हम काजू या मूंगफली दाना पीसते हैं कि कुछ सेकंड के लिए चलाते हैं और फिर बंद करते हैं, फिर कुछ सेकंड के लिए चलाते हैं और बंद करते हैं। तो इस तरह से आपको पीसना है, और हर बार जब आप बंद करोगे तो चम्मच से एक बार मिक्सर को ऊपर नीचे चला दें, ताकि ऊपर जो टुकड़े हैं वो भी अच्छे से ग्राइंड हो, और जो नीचे है वो बिल्कुल पेस्ट ना हो जाए, सारा इक्वल ग्राइंड हो। तो इतनी पूरी 1 किलो गाजर के लिए हमको 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, और ये बारीक हो जाएंगी। तो अब हमने इसको मिक्सी में अच्छे से चला लिया, और आप देख सकते हो कि ये कितना दानेदार हो गया है, और ये छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से दाने दाने से हो जाते हैं, जैसे कि हम कद्दूकस करने पे करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे लेने वाले करीब 150 ग्राम चीनी 1 कप भर के मैंने लिया है। आप चीनी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 3 हरी इलायची ली है, इनको हम बारीक कूट लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से पाउडर है तो 1 छोटी चम्मच पाउडर ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, थोड़े से काजू बारीक काट लिए, थोड़े से पिस्ता बारीक काट लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और जो ना पसंद हो वो हटा भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमको यहाँ पे चाहिए 1 कप उबला हुआ दूध, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। अगर आप कैलोरी कॉन्शियस नहीं है और आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कैलोरीज बढ़ने से, तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दूध की ही मलाई भी ले लें इसके साथ में। इससे जो आपका मावा आप नहीं डाल रहे हो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा क्रीमी टेक्सचर और स्वाद आ जाएगा। लेकिन अगर आपका लो कैलोरी रखना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करें। तो दोस्तों इंस्टेंटली बनाने के लिए हम सबसे पहले कुकर रख लेंगे गैस पे। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी जो हमने लेके रखी है। इंस्टेंटली बना रहे हैं तो हम घी डाल के भूनेंगे नहीं, इससे भूनने का टाइम भी बचेगा, और हमें घी की मात्रा भी ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी इस हलवे में, क्योंकि इस टाइम पर हम घी नहीं डाल रहे हैं। और अब डाल देंगे जो 1 कप दूध लिया है वो, जो हमने गाजर अपनी मिक्सी में चला के रखी है उसे भी डाल दें। और मिक्सी में पीसते वक्त एक बात का आप ध्यान रखें, जब आप मिक्सी में चलाते हैं इसको बारीक चर्न करते हैं, कि आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता है। तो गैस को मैंने फुल पे कर दिया है, अब लगा देंगे इसका हम ढक्कन, और अब हाई फ्लेम पे ही हम 2 विसिल लगाएंगे इसमें, और 2 सीटी आने के बाद प्रेशर निकल जाने पर हम कुकर को खोलेंगे। तो 2 सीटी आ चुकी हैं, प्रेशर निकल चुका है, अब इसको हम खोल लेते हैं। और गाजर जो है हमारी इतने में बहुत ही अच्छे से पक गई है, लेकिन चीनी का एक्स्ट्रा पानी आप देख सकते हो कि बचा हुआ है अभी इसमें। तो हम गैस को ऑन कर देंगे हाई फ्लेम पे, और हाई फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा पानी सूख जाएगा। तो उसको थिक कर लेंगे हलवे की कंसिस्टेंसी का, और बीच बीच में इसको चलाते रहें। दोस्तों मेरी सभी रेसिपीज़ को पढ़ने के लिए आप ghargrahasi.com पे जा सकते हैं। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि हलवा हमारा ऑलमोस्ट सूख गया है। अब इस स्टेज पे अगर आप कैलोरी कॉन्शियस नहीं है तो आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, और अगर आप नहीं चाहते तो उसके बिना भी बना सकते हैं। ये कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हो अपनी पसंद का, ये आपको खोया या कंडेंस मिल्क जितनी कैलोरी भी नहीं देगा, और थोड़ा स्वाद भी इम्प्रूव कर देगा। और अब हम डाल देंगे अपने सभी ड्राई फ्रूट्स, और ये इलायची पाउडर, इसको मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लिया है, और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही यहाँ हम डाल देंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि हलवे में जब तक थोड़ा भी घी नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा उतना अच्छा।
क्योंकि हमने शुरुआत में भी गाजर को घी में डालकर नहीं भुना है, बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है। तो लास्ट में इस पर डाल दें, इससे रंग भी आएगा, स्वाद भी आएगा और खुशबू भी, और हलवा देखने में और खाने दोनों में अच्छा हो जाएगा। तो घी डाल के हल्का सा भून लें इसको। तो दोस्तों हमने कुछ और देर भून लिया है और अब हलवा बिल्कुल सूख चुका है, इसमें कोई पानी ही नहीं बचा है और बिल्कुल ही हलवे की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो इस वक्त हम इसको बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा हलवा झटपट से 10 से 12 मिनट में तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए काजू डालकर सजा देंगे, या जो भी आप ड्राई फ्रूट चाहते हैं डाल सकते हैं। तो अगर आप जल्दी में हैं या अचानक से मेहमान आ जाएं तो झटपट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कम कैलोरी और कम मेहनत में फटाफट ही बन जाती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।